बड़ा होगा अभी। ये वाला ये नहीं बनता है। मेरे लिए क्रॉप से सही है। अंश को क्या चाहिए? दोनों का हॉन्टेड हाउस ये कितना अच्छा था, इसको आता ही नहीं है करना। कौन सा ये? बैठ जाओ। डुगु बाय। सेंटर में बैठो, सेंटर में। अंश जाओ तुम भी। बहुत डर हो गए तो इतना अच्छा कार वाला था उसमें नहीं बैठा इसमें बैठ। हैप्पी बर्थ अंश का बर्थडे दीदी एंजॉय कर रही है। बर्थडे बॉय एंजॉय कर रहा है। दो नहीं जा सकते ना। अंशु ये तो मम्मा है। दो चॉकलेट जीती। किसी को बचाना है? खाना आने में लेट हो रहा है ना इसलिए वो सॉक्स खा रहा है। अंशु 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 ये तो बहुत परेशान कर रहा है लड़का, गंदा बच्चा।
ए बहुत साथ अंशु चलते रहने के गाल उम्र बिता आ जाएगा। अब आ जाओ बेटा, हो गया घर वाले गाड़ी में घूमना। अब बस ले लो मतलब एक बार गए तो टी शर्ट और दूसरी बार जाएंगे तो पैंट। तो हाय गाइस, तो हम लोग बहुत ज्यादा थक के आ चुके हैं और बहुत सारा शॉपिंग करके आए। क्या शॉपिंग की है डुगू? क्या शॉपिंग की है? ये जींस शॉपिंग की है, ये टी शर्ट शॉपिंग की है। तो गाइस हम लोग ये वाला एक टी शर्ट शॉपिंग की है और ये वाला एक टी शर्ट शॉपिंग की है। हाँ बर्थडे था उसका, वो छोटे से वहां बैठा है, बर्थडे उसका था। प्रॉफिट में ये लड़की रही है और नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है तिवारी जी का नुकसान। ए नुकसान क्या हुआ है? मेरे बच्चे एंजॉय किए और क्या। तो हेलो गाइस, आज मेरे बेटू का मेरे बेटे का बर्थडे कुछ इस तरीके से मना। देखिए वो बैठ के रैपर खा रहा है बेचारा अंशु। लास्ट में बेचारे को चॉकलेट भी नहीं मिला है। हो आओ इधर आ जाओ। तो हम लोग सबसे पहले मंदिर गए, उठ के सभी नहा धो के मंदिर गए, पूजा पाठ किए, अपने बेटे के नाम पे पूजा कराया हमने और भगवान जी का आशीर्वाद लिया है। और आप लोग भी प्लीज वीडियो को लाइक करके और एक छोटा सा कमेंट करके मेरे बेटे को ब्लेसिंग दे दीजिएगा प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। बेशक आप लोग वीडियो को लाइक मत कीजिए पर कमेंट करके मेरे बेटे को आशीर्वाद जरूर से जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग गए मॉल। मॉल में जाके हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग की और बच्चों को इंजॉय कराया, मतलब झूला झूले और गेम्स वगैरह खेला इन लोगों ने। फिर उसके बाद हमने नाश्ता भी बाहर किया नाश्ता भी बाहर में किया, खाना भी खाया हम लोगों ने। और अभी जस्ट कितना 7 बज रहा है ना? हाँ 7 बजे हम लोग घर पे आए हैं। और अब लास्ट जो है, अब लास्ट अंश का केक कटेगा। तो हम लोगों ने बस यही सोचा कि अपने बेटे का सेलिब्रेशन हम लोग फैमिली में ही घर में कर लेते हैं, क्योंकि गाइस हमने प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी की हुई थी लेकिन घर से अनफॉर्चुनेटली कोई आ नहीं पाया। मेरी मम्मी भी नहीं आ पाई, मेरे भाई भी बिजी था, मेरे पापा की भी मतलब तबीयत थोड़ी सी, आपको भी पता है कि दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है, तो मेरे पापा भी नहीं आ पाए और मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी कोई भी नहीं आ पाया। इसलिए हमने सोचा कि मतलब अपने आप में ही इंजॉय करके छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो गाइज यही था। अंश इधर आओ, अंशु ये देखिए बर्थडे बॉय को। कौन बोलेगा इसका बर्थडे है आज? इसकी दीदी। चलो ले जा चले। तो गाइस देखते हैं, अभी जा रहे हैं केक लेके आते हैं, केक ऑर्डर दिया हुआ है, जा रहे हैं केक लेके आएंगे और केक कट करेंगे। और आज का दिन बहुत बिजी वाला और बहुत ही अच्छा था। और आज मेरा बेटा पूरे 1 साल का हो गया।
देखते ही देखते मेरा बेटा एक साल का हो गया, मुझे पता भी नहीं चला गाइस सच में क्या हुआ। लल्ला इधर आ, इधर आओ, पारी कर दो, पारी कर दो, इधर आओ निकला ना अंशु, पारी करो सबको। ये देखिए बर्थडे बॉय को जा रहे घूमने। ओके गाइस तो बने रहिएगा एंड तक, अभी केक कटना बाकी है। क्लैपिंग करो, पारी बजाओ अंश। देखो तुम रिकॉर्डिंग कर, कुछ को भी खिलाएंगे। रिकॉर्डिंग करो तुम मोबाइल में देखना, ठीक है। आगे कुछ झुटवा आटा।